आइए हम देखते हैं कि पॉलीगमी के सिस्टम में क्या सही हो सकता है और क्या गलत हो सकता है। इस चीज़ को एनालाइज करने में सबसे पहले हम देखेंगे 2011 के सेंसस के कुछ फिगर्स। विडोज, विधवाएं कितनी हैं इंडिया में? 2011 के सेंसस के मुताबिक 4,32,00,000, जबकि विडोवर्स यानी कि ऐसे मर्द जिनकी बीवियों का इंतकाल हुआ है वो 1,22,00,000 है, यानी औरतों का फिगर बहुत ज़्यादा है। उसी तरह से डिवोर्सी औरतें जिनका तलाक हो चुका है, जो डिवोर्स हो चुका है, वो कितनी हैं? 9,00,000 है और मर्दों में 4,50,000 है। लेकिन साथ साथ में एक बहुत बड़ा फिगर आपके सामने है सेपरेटेड औरतों का। ये सेपरेटेड औरतें कौन सी औरतें हैं? ये वो औरतें हैं जिनका डिवोर्स नहीं हुआ, जिनके हस्बैंड ने सिर्फ उन्हें अबैंडन कर दिया। तो 23,00,000 ऐसी औरतें हैं इंडिया में। और ये सारों का टोटल कितना होता है? हम देखते हैं कि सारों का टोटल 4,65,00,000, यानी 4,65,00,000 विडोज, डिवोर्सीज और सेपरेटेड मिलाकर इंडिया में है, जबकि वही कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर मर्दों में 1,38,00,000, 1.38 करोड़। तो हम ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सवाल ये है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जिनकी शादियां नहीं होती हैं, कवारी रह जाती हैं, उम्र बढ़ती जाती है। 2011 के सेंसस के मुताबिक 56,00,000 ऐसी औरतें हैं जो 30 साल और उससे ज़्यादा की हैं, यानी 56,00,000 ऐसी औरतें हैं जिनकी शादियां ही बिल्कुल नहीं हुई, यानी उन्हें कोई प्रपोजल नहीं मिला या शादी किसी वजह से नहीं हो पाई। अगर आप ये 4,65,00,000 और 56,00,000 को ऐड करें तो टोटल हमारे सामने जो फिगर आ जाता है 5.21 करोड़ औरतों का। सवाल यह है कि जब कई कवारी लड़कियों की शादियां नहीं होती है तो इन विधवाओं से, इन तलाकशुदा औरतों से या डिवोर्सी से कौन शादी करने वाला है? अगर हमारी कंट्री में जैसे कि पहले प्रैक्टिस होता था, आप देख लीजिए ओल्ड ट्रेडिशन में, आप देख लीजिए रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में, यहाँ तक हिंदू रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में कॉमन सी बात है कि किसी की एक से ज़्यादा शादियाँ हों। जो हम में एक मिडिल एज तक पहुँच चुके हैं उन्हें पता है कि उनके दादा नाना वगैरह के ज़माने में एक कॉमन सी बात है किसी की एक से ज़्यादा शादी हो। तो हम देखते हैं उस सिचुएशन में ये सारी के सारी औरतों को लाइफ पार्टनर्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे। चाहे वो ऐसी औरतें हैं जिन्हें कोई हस्बैंड नहीं मिल रहा है, ऐसी औरतों को भी प्रपोजल्स मिल जाएंगे और विडोज और डिवोर्सीज को भी मिल जाएंगे।